another video. I hope you all are doing well. In this video, we will be learning about elimination or independent of x. So let's start it. Question given yahan par x plus 1 upon x is equals to 2p, comma x minus 1 upon x is equals to 2q plus 1. तो हम यहाँ equations बना लेते हैं. ये हो गया my equation 1 and ये हो गया my equation 2. Taking equation 1 and squaring on both sides. हमने इसका स्क्वायर ले लिया. यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला फिट हो रहा है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन अपॉन एक्स ए बी प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पी स्क्वायर मीन्स फोर पी स्क्वायर. एक्स एक्स कैंसिल. एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर पी स्क्वायर. इस प्लस के टू को हम इज इक्वल्स टू के इस साइड लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू. प्लस का टू है इज इक्वल टू के उस साइड जा रहा है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी. यहाँ माइनस हो जाएगा. ये हमारी इक्वेशन थ्री बन गई. नाउ टेकिंग इक्वेशन टू एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले पुट हो रहे हैं. ए माइनस बी का स्क्वायर एंड ए प्लस बी का स्क्वायर. a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब हम फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब आती है प्लस के फॉर्मूले की बारी. तो सबसे पहले ए स्क्वायर मीन्स के टू क्यू स्क्वायर प्लस टू. ए है टू क्यू एंड बी है वन प्लस वन का होल स्क्वायर. यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स. इज इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर मीन्स के फोर क्यू स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय वन. तो यहाँ आ जाएगा फोर क्यू प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा. अब हम इस माइनस के टू को इज इक्वल्स टू के साइड ले आते हैं. सो यहाँ माइनस का था यहाँ आकर प्लस का टू हो जाएगा. वन प्लस टू तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री. ये हो गई हमारी इक्वेशन फोर. अब हम इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन थ्री को कंपेयर कर देंगे मीन्स के एक साथ लिख देंगे. तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर फोर पी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस थ्री. अब अल्फ़ाबेट वाली साइड अल्फ़ाबेट्स वालों को एक साइड कर देंगे लाइक दिस. फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू किस साइड आया तो माइनस का फोर क्यू स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस का फोर क्यू इज इक्वल्स टू प्लस का थ्री एंड माइनस का टू था तो यहाँ आकर प्लस का टू हो गया.
थ्री में हमने टू प्लस किया तो ये हो गया हमारा फाइव एंड यह आ गया हमारा आंसर। यहाँ एलिमिनेशन ऑफ एक्स हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर, बाय बाय।